नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। हरियाणा सिविल सर्विस HCS का एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने मॉक टेस्ट जो स्टार्ट किए हैं, अभी तक हम 4 मॉक टेस्ट कर चुके हैं। ये टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो करंट अफेयर, स्पोर्ट्स और कुछ महत्वपूर्ण एक्ट से रिलेटेड रहेगा। अभी तक जो 4 टेस्ट हमने डिस्कस किए हैं, उसमें हमने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, और चारों के मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो वो PDF आप हमारे फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी पर या हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद गोस्वामी पे आप जाके उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुँचता रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको 50 टेस्ट करवाने का काबिलियत रखता हूँ। मैं 50 टेस्ट कोशिश भी करूँगा, उनकी PDF के साथ और विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कराऊँ। लेकिन आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आपको इसको, जो भी वीडियो देखे उसको शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, और बस इतना ही करना है आपको। इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बस इससे क्या है, वीडियो ट्रेंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए लगातार ऐसे प्रयास करता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक करंट स्पोर्ट्स एक्ट से रिलेटेड रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम 25 डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये किसकी है? कपिल देव की है। अब जिन जिनकी, देखो इन सभी में हम 25 नहीं, लगभग हम 100 क्वेश्चन हम एक वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, कपिल देव की जो आत्मकथा है उसका नाम है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, और सौरव गांगुली की ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, और सुनील गावस्कर की सनी डेज। तो ये चारों की देखिए, अब हमें इसमें 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं हमारे सामने, तो कोई भी पूछेगा तो आप ज़रूर इसका आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट है, असलम शेर खां का संबंध किस खेल से है? तो असलम शेर खां की हम बात करें तो वो हॉकी का खिलाड़ी है। किस चीज़ का है? हॉकी का। 1945 में क्वालालंपुर विश्व कप हुआ था जो वहाँ, और 1976 में जो मॉन्ट्रियल ओलंपिक में बतौर कप्तान रहे हैं वो। तो असलम शेर खां का संबंध कैसे है? हॉकी से है। चलिए नेक्स्ट है, साइड स्पिन शब्दावली किस खेल से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हमारे को देखने को मिलता है कि किसी खेल से रिलेटेड ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है। तो साइड स्पिन शब्दावली की हम बात करें तो वो किससे है? टेबल टेनिस से है। साइन स्पिन, बैक स्पिन, रैली, ग्रिप, सर्विस शब्दों का जो है संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। हम जैसे क्रिकेट में बात करते हैं गुगली, ठीक है, जैसे बॉल को बोलते हैं जैसे रिवर्स स्वीप। तो इस चीज़ें जो भी शब्दावली हैं जो प्रयोग में लाई जाती हैं किसी भी खेल में, तो उससे रिलेटेड हमारे को क्वेश्चन। तो साइड स्पिन किसका है? टेबल टेनिस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। MC मैरी कॉम को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन पुरस्कार जो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, तो MC मैरी कॉम को 2003 में दिया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें 2009 में खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न, 2008 में पद्म भूषण और 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए। तो MC मैरी कॉम जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी है, उनको जो अर्जुन पुरस्कार है वो 2003 में मिला था। चलिए ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी किस वर्ष से की गई? ओलंपिक के अंदर हम बात करें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो 1900 में शामिल किया गया था। ओलंपिक महिलाओं को पहली बार 1900 में, 1908 में लंदन ओलंपिक में फुटबॉल को शामिल किया गया था। किसको? ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फुटबॉल को कब शामिल किया गया था? 1908 में। चलिए अगला है, लिंग असमानता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? जो सेक्स रेशियो की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो लिंग असमानता सूचकांक तैयार किया जाता है 2018 का, उसमें भारत की रैंकिंग 108 है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम स्थान पर आइसलैंड है और भारत इसमें 108वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, ठीक है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन आर्टिकल 280 के अंतर्गत होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। और अभी कौन है? NK सिंह। किस आर्टिकल के तहत? 280 के तहत।
106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन कहाँ किया गया? जालंधर, दिल्ली, शिलोंग या अमृतसर? तो हम बात करें 106वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जो आयोजन है वो कहाँ पे हुआ था? जालंधर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जालंधर में। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2019 का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में किया गया था। मुख्य विषय भविष्य का भारत और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसका क्या था? मुख्य विषय था। चलिए, वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो 2018 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अमिताव घोष को, किसको? अमिताव घोष को। ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए 1965 में दिया जा रहा है, मतलब उस टाइम पीरियड से। यह पहला अवसर है जब अंग्रेजी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। ममता कालिया व्यास सम्मान 2017, जो सिंतासु यशचंद्र इनको सरस्वती 2018 सरस्वती सम्मान। तो ये अब की बार क्या है, इंग्लिश 2018 का जो मिला है वो अंग्रेजी भाषा के लिए। हमारी जो टोटल, हमें 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो उस आधार पे ये किसको? अमिताव घोष को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, हॉकी पुरुष विश्व कप 2018 किस देश ने जीता? तो ये किसने जीता? बेल्जियम ने जीता। विश्व कप हॉकी पुरुष का आयोजन भारत, जो विश्व कप हॉकी पुरुष का आयोजन भारत की मेजबानी में किया गया। फाइनल में बेल्जियम ने नीदरलैंड को 3-2 से हराकर ये खिताब जीता था, राइट? 3-2 से। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने गोल के अंतराल से जीता गया, तो मतलब 3-2, एक का फासला रहा था। चलिए, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3 सेक्शन 2 के तहत अभियुक्त अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा निषिद्ध करता है तो वह कितना दंड अधिरोपित किया जाएगा? मृत्युदंड दिया जाएगा, आजीवन कारावास होगा, 7 वर्ष का कारखाना या कारावास या जुर्माना, या 10 वर्ष तक कारावास जुर्माना, न्यूनतम 6 माह का कारावास। तो इसमें राइट क्या होगा? 7 वर्ष, 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना। तो यदि कोई व्यक्ति जो SC ST का सदस्य नहीं है, यदि किसी SC ST के व्यक्ति तो की संपत्ति को अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा नष्ट कर दिया या हानि पहुंचाता है तो वह धारा जो 3-2 जो सेक्शन 2 के तहत 7 वर्ष तक के कारावास, जो कि 6 माह से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है जो अधिनियम 1980 जो 89 की धारा 3 सेक्शन 2 के तहत होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनजातियों के वही अर्थ हैं, मतलब इसमें क्या आर्टिकल, क्या खंड, क्या चीज़ दी गई है? तो हम इसकी बात करें, संविधान के अनुच्छेद 365 खंड 25 और खंड 26 में है। तो मतलब इसका मोटी मोटी बात यह है कि इसमें जो अधिनियम 1980 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का अर्थ, मतलब किस में बताया गया है। तो हम बात करें, मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC और ST की बात हो रही है यहाँ पे। संरक्षण अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वही अर्थ होगा जो संविधान के आर्टिकल 366 366 के खंड 24 और खंड 25 में बताया गया है। तो इसके हम बात करेंगे तो राइट क्या होगा, संविधान के आर्टिकल 360 366 के खंड 24 और खंड 25 में इसका विधान दिया गया है, इसका अर्थ बताया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस धारा के तहत पश्चातावर्ती दोष सिद्ध के लिए वंचित दंड का प्रावधान है? तो वो धारा 5 है। SC ST की धारा 5 में पश्चातावर्ती दोष सिद्धि के लिए वंचित दंड का प्रावधान दिया गया है, किया गया है। नेक्स्ट है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अनुसार अपराध का दुष्प्रेषण करना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है? तो ये धारा 10 अधिनियम की धारा 10 ये प्रावधान करती है, जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाएगा, वह अपराध का दुष्प्रेरण करने वाला समझा जाएगा, वह व्यक्ति भी उसी उपदंडित दंड से किया जाएगा कि अपराध के लिए उकसाया गया। मतलब किसी को बताना भी आप ये मर्डर करो, ये मतलब उसको उकसाना, मतलब उसको जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें उसको मतलब उसको माइंड को एकदम वो करके डाइवर्ट कर दिया था और उसको बम के रूप में प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार से मतलब जो लोग उसको उकसाएंगे तो वो उसी दंड के अपराधी होंगे। चलिए, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत
अस्पृश्यता जो अनटचेबिलिटी के आचरण को न्योचित ठहरा अपराध है। तो हाँ ऐसा है, अधिनियम की धारा 7 के तहत यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता से आचरण को न्योचित ठहराता है तो वह अपराध, मतलब अपराध होगा अनटचेबिलिटी वाला, अस्पृश्यता छुआछात का जो है। चलिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बारे में कौन सा कथन सही है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1993 के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल 5 नियुक्त सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होती है। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, पहली बात तो ये। तो टोटल राष्ट्रीय मानव में कुल 5 नियुक्त सदस्य होगी ना, ठीक है, वैसे ए राइट है। मुख्यालय है नई दिल्ली में, मुंबई में नहीं है, नई दिल्ली में। नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो ये चीज़ें इसके बारे में, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किन धाराओं में मानव अधिकार आयोग की कार्य और शक्तियां उल्लेखित हैं? तो ये हैं धारा 12 और 13 में। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 एवं 13 में राष्ट्रीय मानव अधिकार की कार्य और जांच संबंधी शक्तियां हैं। धारा 11 में आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी विरुद्ध धारा, और धारा 12 में आयोग के कृत्य के बारे में दिया गया है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को निम्न में से किस वर्ष संशोधित किया गया? तो ये 2006 में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को वर्ष 2006 में उसमें संशोधन किया गया, संशोधित किया गया उसको। अमेरिका में मूल अधिकारों को जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जन सेवा अधिकार कानून लाने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जन सेवा अधिकार कानून लाने वाला प्रथम राज्य है। इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। किस में की गई? 2000। और अभी मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो हैं कमलनाथ हैं। चलिए, शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली प्रथम भाषा कौन सी थी? तो वो थी तमिल। तमिल भाषा को 2004 में सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। भारत में 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो ये भाषाएं हैं 6 जिनको क्या है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। तो सबसे पहले की बात करें हम तो तमिल। एकता स्थल किस व्यक्ति की समाधि स्थल का नाम है? तो एकता स्थल, अब देखिए यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन बड़े इजीली तरीके से आपको याद हो, मतलब देखने को। अब एकता स्थल पूछा गया, तो एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह है। जगजीवन राम का समता स्थल है, चौधरी चरण सिंह का किसान घाट है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्रयाण घाट है। तो ये क्या है, उनके समाधि स्थल के नाम है। तो इसमें भी हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। गिरी क्या है? गिरी एक रडार है। क्या है? रडार। हम बात करें, देखिए 21 मार्च 2016 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति में जो गांध की आयन मंडलीय रडार इंटरफेरोमीटर गिरी की स्थापना की गई। ये एक रडार है जिसमें 30 मेगाहर्ट्ज की रडार प्रणाली है। रडार मतलब जो भी हम देखते हैं कि आकाश में, जैसे कोई वायुयान है दूसरे देश का या हमारी सीमा घुसता, तो वो रडार के मतलब उसके अनुसार ही पता चलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है? तो वो बोलते हैं रूस की, रूस की संसद। अब भी यहाँ भी आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रूस ड्यूमा बोलते हैं वहाँ की जो असेंबली है उसको, संसद को। जापान में डायट बोलते हैं, इसराइल में नेसेट बोलते हैं, और फ्रांस में पार्लियामेंट बोलते हैं। तो ये 4 बातें आपको नोट करनी है। चलिए, मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? अब मध्य प्रदेश की बात पूछी है इसमें, तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वो NH44। देखिए हम बात करें इसमें NH44 श्रीनगर से हम लेके चलें कन्याकुमारी तक, 540 किलोमीटर का है, ग्वालियर, दतिया, सिवनी। NH वैसे तो भारत का, तो बात करें NH जो 7 है वो उसी को, मतलब इसको जोड़ दिया गया अभी। तो NH3 है वो आगरा से मुंबई, 717 किलोमीटर का है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी है। NH जो 12 है जबलपुर से जयपुर है, 484 किलोमीटर। और NH75 ग्वालियर से सतन रीवा जो खजुराहो छतरपुर पन्ना रीवा को जाता है, 340 किलोमीटर का है। जैसे हम बात करें हरियाणा के संदर्भ में पूछ लिया जाए ऐसा ही क्वेश्चन कि हरियाणा का जो पहला बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो हम बात करेंगे NH9 की, NH9, ठीक है। चलिए, तो ये थे हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 25, जिसमें करंट अफेयर भी थे, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे और कुछ इसमें एक्ट थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
आपके रिस्पॉन्स के अनुसार ही आपको हर प्रकार का आगे वीडियो मिलता रहेगा। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद।